Al Muntashar Realty presents to you The Heaven's Palace in the heart of Shil Mumbra. Mumbra's renowned and one of the most illustrious real estate developers, Al Muntashar Realty. A magnificent 21-story tower, centrally located at Shil Mumbra, offering 1, 2 and 3 BHK with home automation. So what are you waiting for? Come discover and experience new age living. गिड़गिड़ाता रहा पत्रकार, मगर पीटते रहे अस्पताल के सुरक्षाकर्मी, नहीं मिलने दिया अस्पताल में दुर्घटनाग्रस्त परिजनों से भोपाल के बंसल अस्पताल की घटना। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहां से एक निजी अस्पताल है बंसल अस्पताल, उससे जुड़ी एक खबर बता रहे हैं। यहां के एक न्यूज चैनल के पत्रकार है गोविंद गुर्जर, 2 मई मंगलवार के दिन इनकी पत्नी, बच्चे, साला, ऐसे परिवारजन वाहन दुर्घटना का शिकार हुए, जिन्हें बाद में भोपाल के निजी बंसल नामक अस्पताल में भर्ती किया गया। खबर मिलने के बाद गोविंद गुर्जर यहां पहुंचे, मगर बंसल अस्पताल के सुरक्षा रक्षकों ने, गार्डों ने किस तरीके से अमानवीयता की, देखिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पीटने के बाद भी गोविंद गुर्जर कह भी रहे हैं कि मैं गुंडा मवाली नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं, मुझे मेरे परिजनों से मिलने दो। उसके बावजूद ये गार्ड उन्हें धक्के दे करके दूर करते नजर आ रहे हैं। यह है मध्य प्रदेश के सुशासन की अवस्था, यह है वहां का सरकारी तंत्र। दंगों का इल्जाम लगा करके मकान गिरा देना, दुकानें उजाड़ देना, अपनी इच्छा से शादी करने के बावजूद जो है मुस्लिम व्यक्ति के मकान को और दुकानों को उजाड़ देना, तो एक तरफा कार्रवाई करने के लिए कुख्यात हो चुके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार का ये एक और नमूना सामने आया है कि किस तरह की घटनाएं जो है वो मध्य प्रदेश में हो रही है। मेरे बच्चे मर रहे, 9 बच्चे मर रहे एक्सीडेंट में, और तुम लोग मुझे कुत्तों की तरह मार रहे हो और ऐसा कर रहे हो, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज। शिवराज जी, ये हाल किया मेरा, आपके अस्पताल में आपने मेरे बच्चों को भर्ती कराया, आपने मदद की, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या हाल किया है आप पता है? इतने सारे लोग विजिटर्स मिलने आ रहे हैं, मैं किस किस को समझाऊं? ऐसे में अगर मैंने थोड़ा सा भी गुस्सा कर दिया तो उसका मुझे ये प्रणाम दिया, मुझे मारा गया, पीटा गया, कुत्तों की तरह पीटा गया हुआ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि मुझे जाने दो, मुझसे अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूँ। अगर मैंने, मेरे बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस अस्पताल में पड़े हुए, जिनकी जिनको मल्टी फ्रैक्चर हुए और जिंदगी मौत के बीच झूल रहे मेरे बच्चे, एक्सीडेंट हुआ है उनका भयानक, साले के बच्चे, 9 लोग यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाए आपने, जिन्होंने मुझे मार मार के भी इतना बुरा व्यवहार करते हैं, बंसल हॉस्पिटल है, ऐसे अस्पताल में कोई ना आए भगवान, हे भगवान ऐसे अस्पताल में कोई ना आए, मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, मैं क्या बताऊं, मैं सीएम साहब, मैं ये सब डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने सुबह फोन लगाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन इन लोगों ने जो बर्ताव किया है सुबह से, बच्चों कोई इस तरह का इलाज भी नहीं मिल रहा, कोई अस्पताल में डॉक्टर आते हैं कोई आया, किया लोग कुछ भी कर रहे हैं, मेरी बेटी का हाथ पूरा फ्रैक्चर्ड है 4-4 जगह से, उसके सूजा उल्टियां कर रही है सुबह से, मेरा साला भर्ती है, मेरे पास